इस वक्त मैं वर्षी गांव से बोल रहा हूँ। ये लगभग ले से 180 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सियाचिन बेस कैंप जो जाता है लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये एक यूनिक गांव है। गांव बोले तो सिर्फ यहाँ पर एक ही फैमिली रहते हैं और फैमिली का नाम ही वर्षी है। और बता दूँ आपको, जो आने वाले 20 तारीख को चुनाव होगा उसके लिए ये फैमिली के लिए मतदान डालने के लिए एक यूनिक पोलिंग बूथ माना जा सकता है। यूनिक पोलिंग बूथ यहाँ सेटअप किया जाएगा, जो एक ही फैमिली के लिए जो पोलिंग बूथ सेटअप किया जाएगा वो टेंट में सेटअप किया जाएगा। जिस तरह से हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर ले में बैठते हैं उनसे बात किया, तो उनका कहना है कि ये फैमिली के लिए स्पेशली एक पोलिंग बूथ सेटअप किया। और आपको एक यूनिक और बता दूं, जो फर्स्ट टाइम एक वोटर भी यहाँ अभी मिला है वो इसी गांव से है, इसी फैमिली से। गांव मतलब एक ही फैमिली है, इस गांव में रहते हैं। और जो यंगेस्ट वोटर होगा और उसके बाद ओल्डेस्ट वोटर होगा वो 86 ईयर उनके ग्रैंड मदर है। तो ये 5 मेंबर फैमिली इसी वर्षी गांव से है और यूनिक पोलिंग बूथ पे वो लोग वोट डालेंगे 20 तारीख को, जिनके लिए एकदम स्पेशल पोलिंग बूथ कहा जा सकता है लद्दाख में। ये एक विशेष गांव है क्योंकि गांव बोले तो सिर्फ एक ही हाउस होल्ड है, एक ही फैमिली है, फैमिली का नाम ही वर्षी है। तो वर्षी के नाम से यहाँ पर एक गांव बसा है, यहाँ पर एक ही फैमिली रहते हैं। तो इस वक्त मैं वर्षी आया हूँ, तो वर्षी का आने का मकसद ये है कि इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज की तरफ से यहाँ एक स्पेशल पोलिंग बूथ लगाया इनके लिए, आने वाले जो 20 तारीख को इलेक्शन होगा तो इनके लिए विशेष पोलिंग बूथ यहाँ टेंट में जो पोलिंग बूथ सेटअप किया जाएगा वो यहाँ पर इनको अपने जो वोट देने के लिए यहाँ सेटअप किया जाएगा। तो हम इनके घर वालों जो यहाँ के वोटर्स हैं इनसे पूछेंगे। जी, आपका नाम? जुले, मेरा नाम रिंचन रोलकर है और मैं वर्षी गाँव से हूँ। जी, तो मैंने सुना है कि फर्स्ट टाइम आप वोट करने वाला, ये और एक विशेष बात है और अच्छी बात है। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए कि मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और बहुत प्राउडफुल हूँ मैं अपने आप पे। जी, तो आपकी फैमिली में कितने वोटर्स हैं? इस साल हम टोटल 5 वोटर्स हैं। जी, आप तो सब आप सबसे यंगेस्ट वोटर है, जो 18 कंप्लीट होने के बाद भी आपको वोटर कार्ड मिला। तो एल्डेस्ट वोटर कितने एज के हैं आप बताएंगे? अभी मैं 20 इयर्स की हूँ। और आपके घर में सबसे ओल्ड कौन से जो वोट डालने जाएंगे? मेरी दादी, दादा दादी है, जो कि दादी है 84-85 इयर्स की है। जी, तो रिंचन जी आप बताए कि आपके गांव एक तो इतना दूर है, साथ में जो सियाचिन बेस कैंप के बहुत नजदीक, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर, ये और विशेष बन जाता है आपके लिए? जी, सियाचिन ग्लेशियर में बस 20 किलोमीटर के मतलब बात हमारे गांव है, जहाँ की एक ही घर है जहाँ पे, तो यहाँ पे ये आखिरी गांव है। जी, ये आखिरी गांव है और यहाँ पे एक ही घर है। और जो इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए अवेयरनेस किया जाता है जिसको हम स्वीप बोलते हैं, तो स्वीप का यहाँ प्रोग्राम हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ ही दिन पहले मतलब स्वीप टीम ले से इतने दूर से स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आया और हमें इलेक्शन के बारे में कैंपिंग दे रहा था एक ही दिन। तो रिंचन जी, मैं पूछना चाहूंगा, जो पास में भी आपने तो फर्स्ट टाइम वोट डाला, पास में भी जो आपने देखा कि फैमिली के लिए यहाँ अलग से पोलिंग बूथ सेटअप कर रहे थे? जी, हमारे लिए यहाँ पे स्पेशली मतलब पोलिंग स्टेशन यहीं पे सेटअप किया जाता है। जी जी, तो आप सबसे मतलब यूनिक पोलिंग बूथ है, तो आपके फैमिली मेंबर भी प्राउड हो रहा होगा कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट पूरा जो फैसिलिटीज वोटिंग बूथ डालने का वो यहाँ पे आपके घर के सामने ही डालने के लिए? जी, मतलब हम लोग बहुत प्राउडफुल है क्योंकि यहाँ पे बस एक यूनिक पोलिंग स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पे एक ही घर है और यहाँ हमारे लिए स्पेशली पोलिंग स्टेशन मतलब सेटअप किया जाता है। जी, उसके लिए बहुत ही मतलब थैंकफुल और प्राउडफुल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिंचन जी। तो आपने सुना इनसे कि किस तरह से ये फैमिली यूनिक, एक बहुत तरीके से यूनिक है। एक तो एक ही फैमिली है और एक गांव का नाम ही वर्षी है, जो चारों तरफ इतना बड़ा गांव है लेकिन एक ही फैमिली है और फैमिली में 5 वोटर है, उनके लिए सेटअप जो पोलिंग बूथ है। हमने कुछ दिन पहले आरओ से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इनको पोलिंग जो है वो टेंट में देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो यहाँ से सियाचिन बेस कैंप यहाँ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत ही यूनिक जगह है, यूनिक गाँव है। और विशेषता ये है कि यहाँ, और एक विशेषता ये कि इनकी घर में सबसे ओल्डेस्ट वोटर है लगभग 84 ईयर्स की, और यंगेस्ट जो रिंचन जी से हम बात कर रहे थे वो 20 इयर्स के। तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो
नो वोटर टू बी लेफ्ट आउट ऐसा जो जो सबको अवेयरनेस के लिए बुलाए वो सब यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देख रहा है। मैं और मेरे साथी सोनम निंचे, न्यूज 18 के लिए।